आज की बहुत ही बड़ी खबर ग्राम प्रधान चुनाव 2020। ग्राम प्रधान चुनाव में उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी। 2 से अधिक बच्चे आरक्षण, किस जाति को आरक्षण की प्रक्रिया फिर से होगी, ये हुए बदलाव। तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे, इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना होगा। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ चलिए गाइस, ज्यादा ना समय लेते हुए आते हैं न्यूज पर। आगामी अक्टूबर में उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस बार के चुनावों में क्या योग्यता होगी, क्या 2 संतान का नियम लागू होगा, क्या 10वीं पास होना जरूरी है, आरक्षण किस जाति को मिलेगा, क्या सभी सीटें समान होंगी, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देते हैं। इस साल अक्टूबर में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होना है, इसको लेकर अभी से लोगों में चर्चा शुरू हो चुकी है और चुनावों को लेकर तैयारियां भी होने लगी हैं। इस बार के चुनावों में लोग चाहते हैं कि उम्मीदवार कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और जो भी उम्मीदवार हो उसके 2 से अधिक संतान ना हो। इस बार आरक्षण की प्रक्रिया नए सिरे से तय की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि इस प्रकार की कोई भी आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए आप किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। हाँ, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि इस बार के चुनावों में उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है या नहीं। साथ ही साथ संतान और 2 आरक्षण से संबंधित नियम पर भी अपनी राय व्यक्त जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस आपको यही जानकारी देनी थी। किसी भी तरह की अफवाह में ना आए और ना अफवाह फैलाएं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता दें और साथ ही साथ अपने YouTube चैनल ऑनलाइन रोजगार को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें इस वीडियो को। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं एक और जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ और सतर्क रहें। तो टेक केयर।